हमको लगता है कि आने वाले 180 दिन के अंदर हम देश की जनता के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकेंगे, और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से आसाम के अंदर जो टूरिज़्म है उसको काफ़ी महत्व मिलेगा। और ये एक अपने तरह का एक अलग प्रोजेक्ट है, नदी के ऊपर रोपवे, और उसके अंदर सबसे बड़ा रोपवे ये पहली बार आसाम में हो रहा है, गुवाहाटी में हो रहा है। 7 मिनट्स लगेंगे, एक इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए 7 मिनट्स लगेंगे। टूरिज़्म डिपार्टमेंट काम कर रहा है, बहुत सारे चीज़ों पे काम कर रहा है। अभी हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं डिस्कवर गुवाहाटी बोल करके, और उसके अंदर गुवाहाटी का जो पुराना जगह है या जो पुराना मोन्यूमेंट है उसको फिर से डेवलप करके, जो अभी तक नहीं हुआ था उसको डेवलप करके किस तरह से टूरिज़्म को और गुवाहाटी को अच्छा किया जा सकता है, उस पर हम काम कर रहे हैं। नॉर्थ में ये सेकंड होगा, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। पिछले कुछ महीने से इसका काम ज़ोरदार से चल रहा है, आशा करता है अगले 2-1 महीने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग इसमें जिसर सकेंगे। और ये नॉर्थ ईस्ट के जो मतलब टूरिस्ट के लिए भी, हम लोगों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो यहाँ का शिप कंडीशन है टाइम टू टाइम जाता है, लेकिन जो यहाँ एक मतलब क्या है नेचुरल एनवायरनमेंट भी हम लोग को देखना पड़ेगा ब्रह्मपुत्र के ऊपर से, वो एक अलग ही मतलब मज़ा आएगा।